बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने वीडियो में 11.17 तक डिस्कशन कर ली थी। नाउ टू ऑनवर्ड हम 11.18 से आगे मूव करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11.18, लेट्स सी। एग्जामिनर कह रहा है देयर आर 65 करेंसी नोट ऑफ रुपीज 1000। हजार के मेरे पास 65 करेंसी नोट्स हैं। 35 जो हैं 500 वाले मेरे पास 35 करेंसी नोट्स हैं। इन आ सेफ, मेरे सेफ में, ठीक है। यहाँ पे सेफ कर सकता है, कल को वॉलेट कर सकता है, जो मर्जी कर ले। इफ फोर नोट्स आर सिलेक्टेड एट रेंडम, हमने टोटल फोर नोट सिलेक्ट करने हैं रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट ऑब्टेन एटलीस्ट 4000। टोटल अमाउंट या तो 4000, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो 4000 बने या तो 4000 से ग्रेटर, इससे ज्यादा अमाउंट बने, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में नहीं बताया कि जो चार नोट सिलेक्ट करने हैं, इसमें एक नोट को देखकर दोबारा वापस रख देना है, या यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा रेपिटेशन नॉट अलाउड को ही फॉलो करेंगे। और मिसाल के तौर पर जब हमने पेमेंट करनी है 4000 रुपीज, तो मुझे 4000 देने, तो पहला 1000 का नोट निकाल के दे दूंगा, तो पीछे ऑब्वियस बात है अब 1000 वाले उतने नोट तो नहीं रह जाएंगे ना, एक काम ही हो जाएगा। तो जब मैं किसी को 1000 करके पेमेंट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है रेपिटेशन नॉट अलाउड ही चल रही है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मैंने एक दुकानदार को 1000 रुपये दे दिए, तो मैंने कहा भाई ये 1000 रुपये आप ले लें, तो 1000 रुपये मेरी तरफ से आगे, ठीक है। तो फिर मैंने वही उसे 1000 रुपये ले लिया और वॉलेट में रख लिया, फिर वही 1000 रुपया दोबारा उसको निकाल के दिया और कहा भाई लो अब अगला 1000 आ रहा है, चलो 2000 हो गए। भाई ऐसे थोड़ी होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब हमने करेंसी पेमेंट करनी है तो रेपिटेशन नॉट अलाउड ही चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ठीक है, इसका जरा स्केच बना लें, स्केच से जरा जिंदगी आसान हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा स्केच के साथ चलता हूँ। तो हमारे पास रुपीस 1000 वाली नोट हैं सेफ में और रुपीस 500 वाले नोट्स हैं, और यहाँ पर हमें पता है हमारा टोटल आ जाएगा। 1000 वाले कितने नोट्स हैं, 65, तो 1000 वाले आगे 65, 500 वाले कितने हैं 35, तो 500 वाले आगे 35, तो टोटल कितने नोट सेफ में पड़े हुए, 100 नोट पड़े हुए हैं। तो 100 नोट में से कितने नोट सिलेक्ट करने हैं, 4 नोट, तो 100 में से मुझे 4 नोट सिलेक्ट करने हैं। अब अगला सवाल ये है, ये 4 नोट किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। उसने कहा इस तरीके से सिलेक्ट करो कि जब तुम 4 नोट निकालो उन चारों का सम 4000 बनना चाहिए, चारों का सम 4000 बनना चाहिए। तो हमने कहा चलें चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां से 2000 निकालता हूं, दो नोट यहां से निकालूंगा, तो दो नोट 1000 वाले निकालूंगा तो 2000 बनेंगे। जब 2000 यहां से बनेंगे फिर ऑब्वियस बात है चार नोट टोटल निकालने, दो यहां से निकालूंगा तो टोटल 2000, 500 वाले दो नोट, तो टोटल 3000 बनेगा ना इस कॉम्बिनेशन से। तो मुझे तो 3000 नहीं चाहिए, मुझे तो 4000 चाहिए, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता। अच्छा, मैंने कहा चलो तीन नोट निकाल के चेक करते हैं, तो तीन नोट यहाँ से निकालूंगा फिर एक यहाँ से निकालूंगा तो ही चार नोट पूरे होंगे। तो 3000 वाले निकाले तो 3000 यहाँ से बने, तो 500 वाला एक, ये तो 3500 बने, मुझे तो 4000 चाहिए। 3500 इज नॉट अवर रेलिवेंट आंसर, हमें तो एटलीस्ट 4000 चाहिए, तो दिस कॉम्बिनेशन अगेन फॉल्स। अब लास्ट फिर बच क्या गया, अब लास्ट बच ही गया कि चारों के चारों नोट यहाँ से निकालने हैं। अब चार के चार नोट यहां से आएंगे तो ये चार वाले 1000 वाले जब चार नोट आएंगे तो ही सम 4000 हो पाएगा, इसका मतलब दिस इज द रेलिवेंट कॉम्बिनेशन। तो अगर फोर नोट यहां से निकले तो 35 में से कोई भी नोट नहीं निकल रहा, तो ठीक है हमारा आंसर आ गया 65C4 डिवाइडेड बाय 100C4। यहां से जीरो है तो जीरो को ना लिखें, तो डायरेक्ट यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 0.1727, ठीक है। This is your answer and alpha is your answer. ठीक है, इस तरह से alpha answer आ जाएगा आपको। Next question देखते हैं जनाब। An NAC institute select 30 doctor. एक institute जिसने 30 doctor select किए and give them a medicine to test and give feedback. Hospital वालों ने, institute वालों ने 30 doctors को medicine दी और कहा कि इसको test करो फिर बताओ कि medicine सही है या नहीं सही है। हर एक doctor ने 50 patient select किए, 30 doctor थे, हर एक डॉक्टर के हिस्से में 50 पेशेंट आए, एंड अप्लाई दैट मेडिसिन टू देम
फिर उन्होंने डॉक्टर ने उन पेशेंट्स को मेडिसिन दी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द सैंपल साइज फॉर एनएससी। तो एनएससी ने टोटल कितना सैंपल साइज कलेक्ट किया होगा, तो 30 डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी, 30 डॉक्टर्स हैं और हर एक डॉक्टर के हिस्से में 50 पेशेंट है, तो टोटल 1500 पेशेंट के ऊपर टेस्ट हुआ है ये, तो सैंपल साइज 1500 होगा मेरा सिंपल। तो क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है जी। अच्छा जी 11.20 देखते हैं। 50% पीपल यूज सेलुलर मोबाइल एंड 40% पीपल यूज लैंडलाइन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर ना सेम है कुछ सवाल, मैं आपको शो करवा दूँ जरा, 11.20 पर निशान लगा, 11.20 इसको देख लें जरा, और इस जैसे दो क्वेश्चन आगे और आपको मिलेंगे, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ये क्वेश्चन 11.20 जो अभी करवाने वाला हूँ, 11.34, 35, ये 20, 34, 35 तीनों डीटो कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिर्फ मैं 11.20 करवाऊंगा, ठीक है, और 11.34 और 35 ये आप लोग खुद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं 11.20 करवा रहा हूँ, अब चलते हैं 11.20 क्वेश्चन, हेयर इज 11.20, ठीक है। अच्छा जी इसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इससे ना एक ट्रिक से सिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक सवाल नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी 50% लोग सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, 40% लोग लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं और 20% लोग दोनों इस्तेमाल करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम यूजिंग नाइदर, ना वो सेलफोन इस्तेमाल, मुझे वो लोग बताएं ना वो सेलफोन इस्तेमाल करते हैं ना वो लैंडलाइन लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे लोग बताएं कौन है। वैसे अगर आप इसको चाहें तो आप इसको एडिशन लॉ के साथ कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी तो हमारे पास दो कैटेगरी आ गई, जो लोग सेलफोन इस्तेमाल करते हैं तो हमने कहा यूज सेल, और सेकंड कैटेगरी नॉट यूज सेलफोन, फिर एक जो लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं तो हमने कहा यूज लैंडलाइन और नॉट यूज लैंडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद इनका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे यूज सेल का टोटल आ जाएगा, नॉट यूज सेल का टोटल आ जाएगा, यूज लैंडलाइन इनका टोटल आ जाएगा, नॉट यूज लैंडलाइन इनका टोटल आ जाएगा, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हेयर इज दी ग्रैंड टोटल, यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन बताई कि हम वैसे इंफॉर्मेशन पुट करते हैं जितनी उसने बताई है, बाकी इंशाल्लाह हम खुद फिल कर लेंगे। 50% यूज मोबाइल, मोबाइल किधर है, सेल मोबाइल ये, तो ये मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कितने, 50%, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 50, यहाँ पे मैंने लिख दिया 50%। 40% यूज लैंडलाइन, यूज लैंडलाइन कितने थे, 40%, तो इसके टोटल में मैंने सामने लिख दिया 40%, तो यहाँ पे मेरे पास 40% ही आ गया, ठीक है जी। 20% यूज बोथ, यूज मोबाइल यूज लैंडलाइन वो कितने लोग हैं, 20% लोग, ठीक है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन उसने नहीं बताई, जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो हम खुद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज के साथ चल रहा है, आपको पता टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, तो यहाँ पे हमने 100 खुद से लिख लिया, ठीक है जी। अब बैल्स टोटल करने लगे, अगर 40% ये है और टोटल 100 है तो बताएं फिर ये वाली कितने परसेंटेज बनेगी, ऑब्वियस बात है 60% होगी ना, 40 + 60 100 बनेगा, और अगर टोटल 50 है और ये टोटल 100 है तो बताएं यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50 होगा, तो यहाँ पे 50 होगा, 50 + 50 तो ये 100 होगा, ठीक है। अगेन अब सारी चीजों को बैलेंस करते रहे, ये 20% है, ये 50% है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऑब्वियस बात है 30% बचेगा, ठीक है। ये 30 है और ये 60 है तो यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 30 + 30 टोटल 60 बनेगा। अगेन ये 50 है और ये 30 है तो यहाँ पे क्या हो कि टोटल 50 बने, तो कहेंगे सर 20% होगा, तो 20 + 30 = 50। अब चेक करें हर तरफ से मैट्रिक्स कंप्लीट, 20 20 40, 20 30 50, 30 30 60, 20 30 50, हर एक तरफ से बैलेंस हो रहा है, 50 50 100, 40 60 100। अब यहां से ना ये करवाने का मकसद ये था कि अब वो एक सवाल नहीं 100 सवाल पूछे, जितने मजे सवाल पूछे हमारे आंसर मिनटों में आएंगे। उसने कहा मुझे वो बताओ कि जो कुछ नहीं इस्तेमाल करते, तो देखिए नॉट यूज सेल
नॉट यूज सेल की ये कैटेगरी है और नॉट यूज लैंडलाइन, इसका मतलब 30% वो लोग, ये 30% वो लोग हैं ना ही सेल फोन इस्तेमाल करते हैं ना ही लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं। तो 30 इज अवर आंसर, ये देखें 30 इज अवर आंसर, मिनट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहें इसके अलावा कोई आंसर फाइंड करना तो देखें इसके अलावा भी वो ये भी कह सकता था कि मुझे वो लोग बताएं जो सिर्फ सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, यूज सेल फोन, वो क्या करते हैं सिर्फ सेल फोन इस्तेमाल करते हैं लैंड लाइन इस्तेमाल नहीं करते। तो देखें यूज सेल फोन नॉट लैंड लाइन, 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सेल फोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो लैंड लाइन इस्तेमाल नहीं करते। देखें ये भी आंसर आ गया। अच्छा अब मुझे वो लोग बताएं जो के सेल इस्तेमाल नहीं करते लेकिन लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए नॉट यूज सेल लेकिन यूज लैंडलाइन, कितने परसेंट लोग हैं 20% लोग, ठीक है। अच्छा जी मुझे वो लोग बताएं जो टोटल सेल फोन इस्तेमाल नहीं करते, तो हम कहेंगे टोटल 50% लोग ऐसे हैं जो नॉट यूज सेल फोन, वो सेल फोन इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे क्या होगा आप मल्टीपल आंसर एट अ टाइम दे पाएंगे इस कैसे, वरना इससे कर सकेंगे लेकिन इससे आपको एक आंसर तक पहुंचेंगे, इससे आप मल्टीपल आंसर तक पहुंचेंगे, इसका ये फायदा, ठीक है जी। अच्छा जी 11.21 तक पहुंचते हैं, होप सो आपको इससे फायदा होगा। 11.21 देखते हैं इन अ बैग। अच्छा 11.21 के बारे में बता दूं, ये 11.21 11.22 आगे चलें 11.23 ये तीनों डीटो कॉपी हैं, तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं एक करवा देता हूं, ये एटलीस्ट वाला थोड़ा सा शायद बच्चों को मुश्किल लगता है। चले 11.21 22 में से मैं एक करवा देता हूं, ठीक है। कौन सा कर ले, चले मैं 11.22 चेक कर लेता हूँ, 21 आप लोग खुद कर लीजिएगा। अ बैग कंटेन टू रेड थ्री ग्रीन टू ब्लू बॉल, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, कोई ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पर रेड आ गई बॉल और यहाँ से ग्रीन आ गई और यहाँ से ब्लू बॉल आ गई, ठीक है जी। क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हैं, मैं इसलिए नहीं करता ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं, वो स्टूडेंट स्पेशली जो जिनके कॉन्सेप्ट अभी कच्चे पक्के होते हैं, ठीक है, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक्स होते हैं, तो उनके लिए सारे मैं स्केच बना रहा हूँ ताकि वो इजीली पहुंच जाए। अच्छा जी रेड कितनी है, टू रेड बॉल है, ग्रीन कितनी है, थ्री ग्रीन बॉल है, ब्लू कितनी है, टू ब्लू बॉल है, टोटल कितनी होगी, थ्री प्लस टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, टोटल सेवन होगी। कितनी बॉल ड्रॉ करनी है, सिलेक्ट कितनी करनी है, टू, टू बॉल डायरेक्ट करनी है, तो टोटल नीचे हमेशा ड्रॉन या सिलेक्शन आ रही होती है। What is the probability none of the ball is blue? कहता है ये जो दो बॉल सिलेक्ट करनी है ना, याद रखना इन ब्लू में से कुछ ना आए, बस यहाँ पे जीरो है, यहाँ से जीरो है। तो हम कहेंगे ठीक है। अच्छा इसके ना बहुत एक लेंथी तरीका भी है, तो फिलहाल क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन ही करवा रहा हूँ, तो बस मेरे कुछ ये मैं आपको ना ट्रिक्स के साथ लेके चलू, शॉर्टकट के साथ लेके चलू, ठीक है जी। तो यहाँ पे करना क्या, तो एग्जामिनर को फोकस करना है बस। एग्जामिनर ने कहा ब्लू में से ना आए, तो ठीक है हम ब्लू में से नहीं लेकर आएंगे, इसका मतलब बाकी ये दो बॉल्स हैं वो रेड और ग्रीन में से आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस रेड और ग्रीन को कंबाइन कर दूंगा, तो रेड और ग्रीन कंबाइन होकर कितने बनेंगे, फाइव। तो ये जो दो बॉल्स आएंगी ये इन पांचों में से आ सकती हैं, तो सिंपल हमारा आंसर आएगा 5C2, क्योंकि एग्जामिनर ने ब्लू के ऊपर फोकस किया था, तो मेरा भी ब्लू के ऊपर फोकस है कि भाई ब्लू में से कुछ नहीं आनी चाहिए, तो बाकी जितने भी बॉल्स होंगे उन सबको मैं कंबाइन ट्रीट कर सकता हूं। तो 2 प्लस 3 5C2 मल्टीप्लाई बाय ब्लू 2C0 है, तो आपको पता है जब भी सी जीरो आ जाए ना तो उसने 1 बनना, तो इसको ना भी लिखो तो खैर है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल क्या, 7C2 7C2, तो 5C2 डिवाइडेड बाय 7C2 करेंगे तो आपके पास ये अल्फा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करना चाहें तो देख लेते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। अच्छा जी तो हमारे पास आ जाएगा ये 5, फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया और हमने कहा 5C2 सी किधर गया, अच्छा जी 5 सी और ये 2 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमने करना है 7C2, तो 7 कर लिया और ये हमारे पास आ गया C और ये हमारे पास आ गया 2 और ये हमारे पास आ गया इक्वल, और हियर इज आवर आंसर 0.4761, क्योंकि ये 9 है तो ये 1, 2 पे राउंड हो जाएगा, तो 0.4762 इज आवर आंसर अल्फा, ओके। 11.22 मैंने करवा दिया, 21 इसकी कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11.23 भी ऊपर वाला जैसा ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दी ब्लू बॉल है, ऊपर क्या नन इज ब्लू बिल्कुल कॉमन एक जैसा हो गया, और यहाँ पर एक क्वेश्चन एटलीस्ट 2 का आ गया,
तो एटलीस्ट एटमोस्ट के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो ये भी मैं खुद करवा देता हूँ। 11.23, लेट्स 23। अच्छा जी, फिर वही स्केच बनाना पड़ेगा। हमारे पास रेड बॉल, रेड बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा, रेड कितनी है, 2, ग्रीन 3 है, ब्लू 3 है, तो 3 + 3 6 + 2 8, आज टोटल 8 बॉल्स हो गई। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, कितनी बॉल ड्रॉ करनी है, 8 में से 3 बॉल ड्रॉ करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। हाँ, यहाँ पर एक और ये था, आज उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज पूछे हैं। तो नंबर ऑफ वेज में सिर्फ न्यूमिरेटर आएगा, क्या आएगा, ओनली न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है जी, एक बात याद रखनी। अच्छा जी, नंबर ऑफ वेज फाइंड करो, एटलीस्ट 2 ऑफ बॉल और ब्लू, कम से कम 2 ब्लू बॉल होने चाहिए, कम से कम 2 ब्लू बॉल होने चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो ब्लू किधर है, हेयर इज ब्लू, तो कम से कम 2 ब्लू बॉल होनी चाहिए, तो 2 भी ब्लू बॉल हो सकती हैं। एटलीस्ट मतलब 2 या 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, तो 2 बॉल भी हो सकती हैं, और यहाँ पे ये 3 भी हो सकती है ना। अच्छा जी, तो टोटल मुझे क्या करनी है, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। अगर 2 की 2 यहीं से ही ब्लू से सिलेक्ट कर ली, तो अब क्या करूंगा, इनको कंबाइन कर लूंगा, तो अगली जो एक बॉल आएगी इनके कंबाइन में से आ रही है, तो 2 + 1 ये 3 हो गया। और सेकंड केस में अगर 3 की 3 यहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से कितनी बॉल जाएंगे, 0 आएंगे, तो खत्म कहानी। पहले वाला कॉम्बिनेशन ये बनेगा 3C2 और 5C1, करूंगा 3C2, ये 3C2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 5, 5C1, तो 5C1 एक ही आ गया। ठीक है जी, अच्छा डिवीजन में तो 8C3 आना है ना, तो आप कंबाइन भी कर सकते हो इसको, तो डिवीजन में तो 8C, ओहो आज 8C3 नहीं आना, हम प्रोबेबिलिटी थोड़ी कर रहे हैं, देखा नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। प्लस बस अगला कॉम्बिनेशन वो क्या है, 3C3, तो 3C3 मल्टीप्लाई बाय 5C0, 5C0 नहीं आ रहा तो ना लिखें, बस ठीक है, 3C2 मल्टीप्लाई 5C1 प्लस 3C3 करें, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16, तो हेयर इज योर आंसर 16। अच्छा जी, 24, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, ये 24 और 26 दोनों डीटो कॉपी सेम, ठीक है, पर एग्जामिनर देखें क्या ट्रिक खेला हुआ है, यहाँ पर आंसर पूछ रहा है परसेंटेज में, यहाँ पर आंसर पूछ रहा है डेसिमल में, तो 30.55% का मतलब भी यही है 11/36, और इस 11/36 का मतलब भी यही है 30.55%, यानी कि डेसिमल में 0.3055। तो देखें ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है, तो चले वन बाय वन कर लेते हैं, 24 करवा देता हूँ, 26 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कह रहा है टू डाइसेस आर रोल्ड, हमने टू डाइसेस को रोल्ड किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी पूछे तो डिवीजन में 8C3 आता, अगर यही क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज की प्रोबेबिलिटी होता, क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ वेज था, तो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया, न्यूमिरेटर ही हमारा आंसर बन गया, तो प्रोबेबिलिटी पूछा तो डिनोमिनेटर आएगा आएगा। वो कह रहा है कि टू डाइसेस को रोल किया, मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं एटलीस्ट 1/6 अपीयर हो, 1/6 अपीयर हो, यानी कि हमने टू डाइसेस को रोल किया, ये डाइस वन है, ठीक है जी, और ये हमारे पास डाइस टू है, तो उसने कहा कि कम से कम एक डाइस में ये 6 नंबर जरूर आना चाहिए, हो सकता है 7 1 आ जाए, तो बताएं इसके चांसेस कितने, तो हमने कहा बड़ा आसान अभी कर लेते हैं इसको, तो हमने कहा ये हमारे पास 36 आउटकम्स आ गए, ठीक है 36 आउटकम। अब 1/6 उसने कहा कि एटलीस्ट 1/6, तो एटलीस्ट 1/6 में आपको पता है कि 1/6 भी आते हैं, एटलीस्ट में 1/6 भी आते हैं और 2/6 वाले भी आते हैं। अब 1/6 वाले चेक करें, वन इसके बाद 1/6 है, 2 3 4 5 फिर 6 है, 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, ठीक है 1/6 वाले, और 2/6 वाला सिर्फ एक है प्लस 1, तो टोटल 11 है एटलीस्ट 1/6 का मतलब कि टोटल 36 में से 11 ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट 1/6 है, तो यानी कि 1/6 वाले 10 हो गए और 2/6 वाले 1 हो गए, तो बल्कि अगर इस तरह मुश्किल हो रही तो इस तरह कर लें, 1/6 वाले कितने, 10 आउट ऑफ 36,
और 1 6 वाला एक ही है, तो 1 out of 36, तो 10 plus 1 11 out of 36, here is our answer, simple, here is our answer 11 by 36, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 11 by 30, ये देखें 11 by 36 हमने पहले ही हाईलाइट किया, तो 11 by 36 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30.55% बन जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, अब वो स्टूडेंट ये के सर ये तो आपने जल्दी से हमें 36 आउटकम्स का कॉलम बना दिया ना, और आपने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जाम में हम क्या करेंगे, कई सारे के सारे क्या हम 36 आउटकम बनाने बैठ गए तो टाइम सारा इधर ही लग जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं 36 आउटकम से जान छुड़वाता हूँ। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि डाइस का क्वेश्चन है, अगर ये डाइस का क्वेश्चन है तो आपको पता है कि जो डाइसिस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, क्या उनसे इवेंट होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जो मैंने इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पढ़ाना है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, तो आप इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। बाइनोमियल का फॉर्मूला NCX मल्टीप्लाई बाय पी की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, ठीक है, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है, तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूला, तो हम बाइनोमियल भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बाइनोमियल से भी समझ नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है, चैप्टर 12 में बाइनोमियल के ऊपर डिटेल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे एक समझ लें, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, रिविजन ही कर रहे हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा इसका मतलब आपने क्लासेस सही तरीके से अटेंड नहीं की हुई। अच्छा जी, टू डाइसेस आर रोल्ड, टोटल डाइसेस कितनी है 2, तो n की जगह आ गया हमारे पास 2 आ गया, सी x, तो हमें एटलीस्ट 1 चाहिए, 1 कितने 6 चाहिए, से ओनली 1 6 चाहिए, तो 2c1 आ गया मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब 6 अपीयर, ये जो 6 अपीयर होता है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनता है, तो 1 डाइस को रोल करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डाइस में 6 एक मरतबा ही आ सकता है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, ठीक है, इस तरह कर लेंगे आप, ठीक है। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसे थोड़ा स्मॉल करते हैं इसको। अच्छा जी, स्मॉल करने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम, दोबारा से इसको लिखते हैं जरा, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उसने 1 का है ना, तो एटलीस्ट 1 में हम क्या करेंगे 2c1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, और एक्स की यानी कि 6 के यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, और क्यू का मतलब होता है 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो क्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 5/6, 2 minus 1 1 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, प्लस करूंगा नेक्स्ट एटलीस्ट 1/6 का आता ना, तो 2 में से 1/6, तो 2 के 2/6 भी आ सकते हैं, तो 2c2 नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, प्रोबेबिलिटी 6 आने की 1/6 की पावर, ये 2 है तो ऊपर भी 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 2 minus 2 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे उसका आंसर भी यही आएगा 0.3055, यानी कि परसेंटेज में 30.55 और फ्रैक्शन में ये। तो आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन में, टू डाइसिस के क्वेश्चन में, या तो आप इस तरीके से कर लें जो मैंने करवाया ये वाला तरीका, या तो फिर आप बाइनोमियल लगाना चाहें बाइनोमियल लगा लें, अब ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। तो 11.24 MCQs हमारे हो गए, ठीक है, तो आज की डिस्कशन यहाँ तक काफी है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 25 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, बल्कि हमने 26 भी डिस्कस कर लिया, और 25 में इन हाउ मेनी वेज है ना, तो जो 25 है ये बिल्कुल 23 की तरह है, 25 23 की तरह है, तो टेक्निकली देखा जाए तो 11.26 तक हम कर चुके हैं, तो नाउ टू ऑनवर्ड 11.27 से कर लेंगे, नहीं तो यह मैं करवा दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।